और यहाँ पर मेरे पास पूरा प्रूफ है, आप देख सकते हैं। इसने इस तरीके का सिर्फ दोस्तों शॉर्ट वीडियो डालकर अपने चैनल पे 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, और गूगल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसका चैनल मोनिटाइज है और ये महीने का 1 से 1.5 लाख का अर्निंग भी कर रहा है। और यूट्यूब पर ये अकेला चैनल नहीं है, इस तरीके का सैकड़ों चैनल है जो सिर्फ चाइनीज वीडियो डालकर महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का वीडियो बनाने में आपको किसी भी तरह का कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप चाइनीज एप्लीकेशन से वीडियो को डाउनलोड करेंगे और उसको बिना एडिट के आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना है, जहां पर ना आपको कैमरे की जरूरत है, ना एडिटिंग की जरूरत है, ना आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है। और इस वीडियो पे इतना ज्यादा व्यूज आता है कि व्यूज देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो होता ही ऐसा है कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देखना शुरू किए तो जब तक आप पूरा वीडियो देख नहीं लेंगे आपका मन खुद नहीं भरेगा। अगर मैं आपको व्यूज दिखाऊं तो यहाँ पर एक चैनल में ओपन कर लेता हूँ, मिस्टर शॉर्ट 03, और आप देख सकते हैं ये सिर्फ चाइनीज वीडियो अपलोड करते हैं। और इनके वीडियो पर अगर हम व्यूज की बात करें तो इसका व्यूज आपको हैरान कर देगा। आप देख सकते हैं इन्होंने 200 वीडियो के आसपास अपलोड किया है, और अगर पहले वीडियो का व्यूज देखेंगे तो 82 मिलियन व्यूज है, दूसरा देख सकते हैं 46 मिलियन, तीसरा 28 मिलियन, नीचे आएंगे तो 26 मिलियन, 23 मिलियन, 22 मिलियन, 20 मिलियन, 21 मिलियन। और ये एक चैनल की बात नहीं है, दूसरा चैनल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, एक और चैनल है मिस्टर शॉर्ट करके, और इन्होंने 217 वीडियो अपलोड किया है और 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर हम इनके वीडियो व्यूज की बात करें तो शॉर्ट में आप देख सकते हैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ है, कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। और इनके वीडियो पर आप देख सकते हैं पहले वीडियो पे 52 मिलियन, दूसरे वीडियो पे 33 मिलियन, तीसरे वीडियो पे 29 मिलियन, मतलब कि यहां पे मिलियन में बात होता है, लाखों हजारों की बात ही नहीं है। तो इस तरीके का वीडियो आप भी अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस चाइनीज एप्लीकेशन से आपको वीडियो को उठाना है और सिंपली उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना है, जहां पर ना कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। किसी किसी वीडियो में क्लेम आता है, जहां पर जो चीज रियल है वो मैं आपको बता रहा हूं, किसी किसी वीडियो पे क्लेम आएगा लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्लेम अलग होता है, स्ट्राइक अलग होता है। अगर आपके किसी वीडियो पे क्लेम आता है तो उससे आपके चैनल को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, आपका चैनल डिलीट होने का कोई दिक्कत नहीं है। जिस वीडियो पे क्लेम आया है उसे आप डिलीट कर दीजिए। जैसे आप 100 वीडियो अपलोड करेंगे तो 1-2 वीडियो पे क्लेम आ सकता है, बहुत सारे लोग इसे लेकर परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो चलिए अब शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप भी इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको 2 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और दोनों एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला एप्लीकेशन है आपका टॉप वीपीएन, तो सबसे पहले आप टॉप वीपीएन को ओपन करेंगे और इसे आप कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीपीएन को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ये दूसरा एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, ना दूसरा एप्लीकेशन ओपन होगा, ना उसमें वीडियो आएगा, ना ही आप वीडियो को डाउनलोड कर पाएंगे। अब पहले आप वीपीएन को कनेक्ट कर लीजिएगा, वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है कोआइसा, कोआइसा मतलब चाइनीज नाम है, कोआइसा एप्लीकेशन है, तो इसको सिंपली आपको ओपन करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कोई भी लॉगिन साइन अप करने की जरूरत नहीं है, यहां पर टिकटॉक के जैसे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, लेकिन सभी फनी वाले वीडियो होते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब में चाइनीज फनी वीडियो देखते हैं तो सभी लोग अपना वीडियो यहीं से निकालते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, रेगुलर यहां पर वीडियो आता रहता है। बस आपको यहां से वीडियो को डाउनलोड करना है और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना है, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा वीडियो, यहां पर ऐसा वीडियो ही होता है कि अगर आप इसे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो बिना आपके पूरे वीडियो को देखे कोई स्किप ही नहीं कर सकता है, और जब वो आपके पूरे वीडियो को देखता है तो आपका वीडियो वायरल हो जाता है। इसी तरीके का सैकड़ों वीडियो आप स्क्रॉल करते रहिए, आपको तरह तरह का फनी वीडियो मिलता रहेगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वीपीएन को आप कनेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप वीपीएन को कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो ना चलेगा ना ही डाउनलोड होगा। यहां पर 2 ऑप्शन होता है, या तो आप नॉर्मल देखिए या फिर फीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे यूट्यूब शॉर्ट में आता है उस तरीके से फिर वीडियो यहां पे आना चालू हो जाएगा। बहुत ज्यादा वीडियो, किसी भी वीडियो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट का दिक्कत नहीं है, कोई भी स्ट्राइक का दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अलग प्लेटफॉर्म से आप ला रहे हैं, यूट्यूब पे तो है नहीं, तो कोई भी कॉपीराइट आपको दे नहीं सकता है। बस किसी किसी वीडियो में क्लेम आता है तो क्लेम से कोई दिक्कत नहीं होता, क्लेम तो हम लोगों के वीडियो पर भी आ जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक पे आ जाता है, फोटो पे आ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत
नहीं है। जब आप खुद इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आपका 20 से 30 मिनट कब निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में चलता है यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब बहुत ज्यादा फनी वीडियो, ऐसा वीडियो कि जब आप प्ले कर देंगे तो आप उसी में फंस जाएंगे, आप उसी वीडियो को स्क्रोल कर करके देखते रहेंगे, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है, क्योंकि जो एक बार आपके पूरे वीडियो को देख लेता है YouTube खुद आपके सभी वीडियो को उसे रेकमेंड करना चालू कर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहां से आप वीडियो को डाउनलोड कैसे करेंगे और अपने चैनल पे अपलोड कैसे करेंगे। तो सिंपल है, यहां पर आप वीडियो स्क्रॉल करके देखते रहिए, आपको जो भी वीडियो पसंद आता है आपको उसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि VPN कनेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि VPN कनेक्ट नहीं करते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कई बार आपको इसी वीडियो में बोल चुका हूं कि VPN कनेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है, मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूं, तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे एक शेयर का ऑप्शन है, आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। यहां पर आपको कोई भी लॉगिन या साइन अप करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है और ये गैलरी में भी आ गया। मैं आपको एक बार गैलरी में दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं हमारा वीडियो आ चुका है। अब इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना है जिससे कि आपका वीडियो YouTube में रैंक करे। तो एडिटिंग करने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इंसॉर्ट का यूज कीजिए, काइनमास्टर का यूज कीजिए, बीएन का यूज कीजिए। एग्जांपल के लिए यहां पर मैं इंसॉर्ट एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूं, इंसॉर्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपको इंसॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और आपको ये वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैनवा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इसका साइज जो आपको फिट वाले पे क्लिक कर देना है, तो इसका साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको करना क्या कि आगे 2-4 सेकंड का जो पार्ट है उसे आप स्प्लिट करके डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसमें चाइनीज में कुछ लिखा था तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो आवाज है, आवाज को भी आपको खत्म करना है, क्योंकि इसमें चाइनीज में कुछ चोंग पोंग बोलता रहता है तो उससे आपको खत्म करना होगा। आवाज खत्म करने के लिए आप स्पीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहां पर एक पैनल दिया होता है, पैनल को आप सरका कर जीरो कर दीजिए, आवाज खत्म हो जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है कि यहां पर आपको अपना आवाज डालना है। जैसे कि यहां पर दो तरीका, एक तो आप फनी म्यूजिक लगा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फनी म्यूजिक होते हैं जिसमें ढेंचू ढेंचू या फिर वाव या ऐसे बोलते रहता है, तो ये सारा म्यूजिक लगा सकते हैं। या फिर आप एक कहानी बना सकते हैं कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये लड़का मतलब ये लड़का चाक से रोड पे एक आकृति बना रहा है जो 3D आकृति है, अभी आप देखेंगे ये ऐसा बन जाएगा। मतलब इस तरीके का आप अपना आवाज भी डाल सकते हैं या फिर आप म्यूजिक भी डाल सकते हैं। अगर आप आवाज डालना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक म्यूजिक ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट में म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको रिकॉर्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पर माइक बना हुआ है, नीचे रिकॉर्ड लिखा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप आवाज डाल सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाने वाला हूं जो कि 3D आर्ट बनाता है, तो आप देख सकते हैं ये कोयले की मदद से रोड पे कुछ बना रहा है और देखते हैं कि ये क्या बनाता है। जब तक ये बना रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देख सकते हैं इसने कुछ इस तरीके का 3D कुआं बनाया है जिसे अगर कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि ये एक रियल कुआं है। अब जैसे कि देख सकते हैं एक लड़की यहाँ पे बाइक से आया और वो भी कंफ्यूज हो गई कि ये रियल कुआं है और वो साइड से चली गई। तो मतलब इस तरीके से आपको वॉइस ओवर डाल देना, आवाज डालने के बाद अगर आप फनी म्यूजिक भी डालना चाहते हैं जैसे हंसने का, रोने का या फिर वाव का जो फनी म्यूजिक होता है, ऐसे सैकड़ों म्यूजिक आपको इंसॉर्ट में ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ढेरों सारे म्यूजिक के इफेक्ट मिलेंगे, जैसे हंसने वाला आप डाल सकते हैं, रोने वाला डाल सकते हैं, हॉरर म्यूजिक डाल सकते हैं, वायरल म्यूजिक डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर म्यूजिक की पूरी कैटेगरी आपको 1000-2000 म्यूजिक मिल जाएंगे। तो जैसा भी आपको म्यूजिक डालना है यहाँ पर आप म्यूजिक डालकर अपने वीडियो को बना सकते हैं। जब आपका एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाए तो ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आप अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको वाटरमार्क या किसी भी तरह का ऐड नहीं आएगा, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। वीडियो तैयार होने के बाद नॉर्मल उसे आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है जिससे कि आप अपने मन से जबरदस्त कहानी बना सकते हैं। मतलब कि वो वीडियो चाइनीज में होता है लेकिन आपको अपने देसी भाषा में, विलेज भाषा में फनी बातें डाल देना है जिससे कि जो भी वीडियो को देखे वो देखता ही रह जाए। और यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक नहीं आता है, किसी किसी वीडियो में क्लेम आता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो क्लेम को आप रिमूव कर सकते हैं, वीडियो हटा देंगे आपका क्लेम रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई डर नहीं है कि स्ट्राइक आ जाएगा या चैनल डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और
YouTube पर सैकड़ों ऐसे चैनल है जो इस तरीके का कंटेंट अपलोड करते हैं, फनी वीडियो अपलोड करते हैं, मिलियन मिलियन में व्यूज आता है और लाखों का अर्निंग होता है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस फनी वीडियो को डाउनलोड कीजिए, थोड़ा सा उसमें एडिट करके अपना माल मसाला डालिए और आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। आप लेटे लेटे बैठे बैठे आप एक जबरदस्त वीडियो तैयार कर सकते हैं और 4-5 वीडियो अपलोड करेंगे, आपके वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आने लगेगा। बाकी इस तरीके का जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं, मैं 2 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो क्लिक करके आप एक बार उनके 4-5 वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको बोलना है। बाकी यहाँ पे एडिटिंग तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना आवाज डाल देंगे, आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। ना आपको खुद से वीडियो बनाने की जरूरत, ना खुद से एडिट करने की जरूरत, ना चेहरे दिखाने की जरूरत है, बस आवाज डालिए। अगर आप आवाज भी नहीं डाल सकते तो आप म्यूजिक डाल दीजिए, यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक का दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको चैनल डिलीट होने का दिक्कत नहीं है, क्लेम आता है तो क्लेम से कोई दिक्कत नहीं होता है। एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ एग्जांपल चैनल का लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।